झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोयाबीन के दाम में स्थिरता देखी जा रही है। कुछ समय पूर्व ऐसा लग रहा था कि इस बार सोयाबीन के दाम और बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। पिछले करीब दो सप्ताह से अधिक समय से सोयाबीन के दाम 6000 से 7000 के बीच देखे जा रहे हैं। वह भी सोयाबीन की क्वालिटी पर दाम निर्भर करता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि दाम बढ़ने की बजाय थोड़े कम ही हो रहे हैं। शुरुआत के समय सोयाबीन के दामों में काफ़ी तेजी थी। जब सोयाबीन काफ़ी प्रमाण में APMC के साथ साथ बाजार में आ रही थी, उस समय सोयाबीन के दामों में तेजी थी। अब जब सोयाबीन की आवक कम हो गई है, उस समय सोयाबीन के दामों में कमी देखी जा रही है। इस बात को लेकर किसान काफ़ी चिंता में है। किसानों को उम्मीद थी कि सोयाबीन के दाम यदि बढ़ेंगे तो उन्हें निश्चित ही लाभ होगा, लेकिन दाम कम हो रहे हैं। जहां पहले दाम स्थिर थे, अब वहीं सोयाबीन के दाम कम होते नजर आ रहे हैं। सोयाबीन एक इस तरह की फसल है जिस पर किसानों का काफ़ी दारोमदार निर्भर रहता है। यह उल्लेखनीय है कि उस शुरुआत में बहुत धीरे धीरे, लेकिन सोयाबीन के दामों में कुछ न कुछ तेजी देखी जा रही थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको सोयाबीन का उत्पादन खर्च भी नहीं मिल रहा है। जब सोयाबीन की आवक भी अधिक थी और दाम भी अच्छे मिल रहे थे, उस समय करीब 70% किसानों ने अपनी सोयाबीन बेच दी थी, लेकिन करीब 30% किसान ऐसे थे जिन्हें दाम बढ़ने की उम्मीद को लेकर सोयाबीन नहीं बेची थी। इन किसानों को आज भी उम्मीद है कि सोयाबीन के दाम थोड़े कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये दाम निश्चित ही आने वाले समय में बढ़ेंगे, क्योंकि सोयाबीन के तेल की मांग बढ़ती जा रही है। इस समय सोयाबीन का तेल 130 रुपये प्रति किलो के अनुसार रिटेल में मिल रहा है। ये दाम स्थिर नहीं रहेंगे। जब सोयाबीन के तेल के दाम बढ़ेंगे तो सोयाबीन की मांग भी बढ़ेगी। बस किसानों को वही दाम बढ़ने का चिंता है। वर्तमान समय में खाद्य तेल के रूप में सोयाबीन के तेल का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। लोग सोयाबीन का तेल काफ़ी पसंद करते हैं। उस अनुसार आने वाले समय में सोयाबीन के दाम निश्चित ही बढ़ेंगे, ऐसा किसानों का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।